जिसमें हमने सीट की जो हैंडलिंग पढ़ी थी उस सीट हैंडलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप अपना आप लोग भी कुछ बना के देखिएगा, दिक्कत होंगे तो फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ डेटा सेपरेशन का प्रोजेक्ट, डेटा सेपरेशन का प्रोजेक्ट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास ये डेटा है, देख लीजिए। तो हमने याद होगा कि हम जब माइक्रो एडिट आपको सिखा रहे थे कि हाउ कैन एडिट योर माइक्रो रिकॉर्डेड माइक्रो, तो उस केस उस समय हमने आपको एक चीज बताया था कि कैसे डेटा को शीट बाई सेपरेट कर सकते हैं। जब हम प्रेस करते डेटा शीट बाई सेपरेट हो जाए, हम इस उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है शीट वाइज नहीं, मेरा डेटा फाइल वाइज जो है प्रोजेक्ट हो जाए, फाइल वाइज जो है सेपरेट हो, ठीक है, फाइल वाइज प्रोजेक्ट हो जाए। तो कैसे होगा, तो चलिए हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है सर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के पास कोई डाउट है। हेलो हेलो सर, हेलो सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। तो चलिए सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो जगह पे इससे पहले किया था, तो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो करके इसको एडिट करते हैं अपने हिसाब से। तो रिकॉर्ड एंड ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और उसके बाद हमने मान लीजिए मुझे आई डिपार्टमेंट वाइज करना है तो डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट फाइनेंस सेलेक्ट करता हूँ, फिर डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, फिर एक नई सीट ऐड करता हूँ और इसमें इसको पेस्ट करता हूँ, और फिर इस सीट का नाम जो मैं फाइनेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फाइनेंस। अब चलिए यह हो गया हमारा। अब इसी के साथ हम इस माइक्रो को एडिट करेंगे यहाँ मॉड्यूल्स, इसमें मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इसको सिलेक्शन ऑटो फिल्टर हट जाएगा, सिलेक्शन ऑटो फिल्टर यहाँ हटा देते हैं, और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए A1 से लेके J100 है, मतलब ये ऑटोमेटिकली पूरा रिसेलेक्ट करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम पिवट लगाते हैं तो अगर हमने सिंगल सेल सिलेक्ट कर रखा है और फिल्टर लगाते हैं, फिर भी मेरा डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर ले लेता है। तो इस केस में हमने यहाँ पे सिर्फ A1 दिया ताकि वो उससे जितना ही आगे का डेटा है वो अपने आप ले ले, ठीक है। A1 डॉट सिलेक्ट डाउन कॉपी, सीट हमने ऐड किया, सीट पेस्ट किया, अब यहाँ C2 यहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटाएंगे, क्योंकि C2 फिक्स है, लेकिन जब हम सीट ऐड करेंगे वो फिक्स नहीं होगा, और यहाँ पे फाइनेंस। तो इसको अब थोड़ी सी ऑटोमेशन करनी है। ऑटोमेशन सबसे पहले हमें इसका जो नाम है ना वो करना होगा कि जब यूजर रन करे तो आए, तो यहां पे लिखेंगे हम
आपके यहाँ पे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट में डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स में यहाँ करेंगे कि एंटर डिपार्टमेंट 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 हो गया। A1 डॉट सिलेक्ट, यहाँ पे पूरा जहां जहां मुझे फाइनेंस है वहां वहां हम डी कर देते हैं, यहाँ ये फाइनेंस है डी कर दिया, यहाँ ये फाइनेंस है डी कर, तो ये तो चलो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा बना है वो डेटा किसी पर्टिकुलर फाइल में, मतलब इसमें सीट में ना हो, एक नई फाइल में बने। तो हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट, अगर मैं मूव कर देता हूं एक्टिव सीट डॉट मूव, क्योंकि लास्ट क्लास में याद होगा मैंने डॉट मूव किया था, मतलब कि एक नई फाइल में उस फाइल सीट को मूव कर देगा, और फिर जो मूव हुआ है उस फाइल को हम सेव कर देते हैं कि एक्टिव एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सेव एज, और हमें सेव कहां करना है, लोकेशन फाइल नेम, तो डी हमारा फाइल नेम हो जाएगा, और इसके साथ हम डॉट एक्सएलएस एक्स कर देंगे, और लोकेशन देना चाहो तो दे सकते हैं, मैं नहीं दिया लोकेशन, मतलब जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट में सेव कर देगा, जो डिफॉल्ट लोकेशन है उस डिफॉल्ट लोकेशन पर सेव कर देगा, और फिर यहां पर करते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहां पे टू कर देते हैं, ठीक है। अब इस बार इसको मैं रन करके देखता हूं, और मुझे इस बार आईडी लेना है, तो माइक्रोज और मैंने इसको रन किया, मुझसे पूछा तो मैंने यहां पे आईडी डाल दिया एंड देन ओके। अब देखिए यहां पे डिफॉल्ट लोकेशन मेरा डेस्कटॉप का है, तो डेस्कटॉप पे इसने आईटी नाम का एक सीट मैंने फाइल डाल दिया और उसमें आईटी का डेटा डाल दिया। अब प्रफुल्ल जी, नरेश जी एंड सहवाज अंसारी जी, आप इस कोड को थोड़ा सा नजर मारें और मुझे बताएं कि इस कोड में कौन सा कोड ऑफ लाइन समझ में आपको नहीं आया। हेलो, सर सर मैं चाहता हूँ कि ये जितने जैसे आईटी है, फाइनेंस है, इस तरह से अगर जो मैं चाहता हूँ कि इसको अलग अलग सीट पे हो जाए। वो तो ठीक है, वो तो बाद की बात है, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है इस बताइए। नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। आगे वो चीजें भी आगे कर लेंगे, चिंता मत। हाँ नरेश जी, कुछ बोला आपने, सुन नहीं पाया। हाँ सर, ये वो तो मेरा को ये लास्ट क्लास डाउट है सर, लास्ट क्लास नहीं उसका प्रीवियस का, देख लीजिए, वो आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं भेज दूंगा सर। ये तो मैं पर्सनल वर्कबुक में करे तो वो डिलीट नहीं हो पा रहा, तो हनाइट बोल के आ रहा, थोड़ा एरर आ रहा, वो आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वो तो बात की चीजें हैं, मैं पूछ रहा हूँ इस मैटर में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं है सर, हाँ इसका तो तो इस ठीक मैटर की बात चल है। रही है ना, आपकी कोई प्रीवियस प्रॉब्लम है तो मैं पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया कि नहीं प्रॉब्लम है, और जब पर्सनल नहीं, मैटर की बात हुई तो पर्सनल मैटर को डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है, वो डिलीट नहीं होता है, हाँ सर वही सर। उस लोकेशन को एक्सेस करके वहां से उसको डिलीट करना पड़ता है हाँ, ओके ओके जहां वो ओके, सेव हुआ है। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं सर। अब जैसे कि मैं चाहता हूं यहां पे, अब देखिए क्या चाहता हूं,
कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे, जैसे कि शाहनवाज अंसारी जी ने बोला कि जितने भी फाइल हैं उन सब का हमें अलग अलग निकालना हो, तो प्रॉब्लम सबसे पहले बात आती है कि इसमें जितने भी नेम है उस नेम का डुप्लीकेट निकालना हो, इसके नेम का डुप्लीकेट निकालना हो। वाह, क्योंकि तभी तो मतलब कितना है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर हम रिकॉर्डिंग माइको की बात करें, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, हम रिकॉर्डिंग माइको की बात करें, इसको कॉपी करके मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो की बात है, एक सेकंड से होल्ड कीजिएगा। हेलो, तो डुप्लीकेट यूनिक कैसे निकाले, तो हमने इसको उठाया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट एज ए वैल्यू। और फिर यहाँ इस पे डेटा मेनू बार में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट, इसी क्या होगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर, तो आपके पास लिस्ट आ गया क्या सर, आपके पास लिस्ट आ गया ना यहाँ पे कि मैक्रो का। अब आपको यहां से लूप चलाना है और फिर इस दोनों को कंबाइन कर लेना है, और मैं चाहता हूं कि एक काम आप खुद करें, क्या बोल रहे हैं। और यहाँ जो सी याद ही ना, तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट का आता है, ये जो पेस्ट स्पेशल है इसको हटा देता हूँ, ए सीट डॉट रेंज A1 से A100 आ रहा ना, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, A1 से A2 वाला ले लीजिए डुप्लीकेट। हाँ, तो ए लाइन क्या कर?